अगर आप मुझे मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं तो मैं एक हद तक आपसे प्यार करूंगा, फिर मैं भी आपको दिखा दूंगा कि आपकी क्या जगह है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपको ईद मुबारक, सारे दर्शकों को ईद मुबारक। आई होप आपकी ईद खुशहाल थी। दो साल के बाद हम सब मिलके मनाए, माइंड ब्लोइंग, सबको बता बता के मैं थक गया। बहुत अच्छी थी यार, और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बहुत लोगों के फैमिली में बहुत लॉसेस हुए हैं पिछले दो साल में। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम हेल्दी हैं, खुशहाल हैं और काम भी कर रहे हैं। तो पूरे रमज़ान यही दुआ थी कि पूरी दुनिया की ज़िंदगी में बरकत रहे, कामयाबी रहे, और खुदा का शुक्र है कि ये ईद बहुत अच्छी गई और आगे आने वाली ईद भी और अच्छी जाएंगी। मैं यही समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट को भूखा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी आ गई है और वो पेट के अंदर की आग मिट गई है ना, तो कंप्लेसेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं बिल्कुल ये ना शुक्रानापन नहीं करूँगा कि खुदा ने इतना दिया है, इतना प्यार दिया है, मेहनत करने के मौके दिए हैं। कुछ चीज़ें सक्सेसफुल हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। आप बराबर कह रही है, आपसे अनाउंस रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी वही है, फ्लैट लाइन डेथ होता है, अप्स एंड डाउंस लाइफ होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी, कोई बात नहीं। अभी भी ज़िंदगी सिखा ही रही है, पिछले साल में तो सबसे ज़्यादा सिखाया है मुझे। क्या सिखाया है? जो मैं गलतियां दूसरों के साथ करता था, जब वो मेरे साथ होती हैं तो मैं उनसे कैसे सीखूं और मैं कैसे अपने आप को ढाल सकूं कि मैं उन्हें हैंडल करने के लिए एक बेटर इंसान बनूं। तो मैं वही करूं, आई एम वेरी हैप्पी। यार एक इंसान में सब कुछ ही होता है। पहली बात तो यह है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, उन चीज़ों के वजह से आपका एक इमोशन हाईलाइट होके निकलता है, एक। दूसरी बात सिचुएशन के हिसाब से, तीसरी बात इंसान के हिसाब से। अगर आप मेरे से प्यार से बात कर रही हैं तो मैं आपसे गुस्से से बात क्यों करूँगा? अगर आप मुझे मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही हैं तो मैं एक हद तक आपसे प्यार करूँगा, फिर मैं भी आपको दिखा दूँगा कि आपकी क्या जगह है मेरे जहन में, मेरी ज़िंदगी में, या दुनिया में नहीं, मेरे जहन में। तो मैं यही समझता हूँ कि मेरे में उतनी ही अच्छाई है जितनी बुराई है। आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि मैं जो भी बुराई बोलो, ईविल बोलो या गलतियाँ बोलो, वो मैं दबा के या उसे कंट्रोल करके एक अच्छे इंसान की तरह जीने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा मुँह बड़ी बात हो गई यार मेरे किसी को एडवाइस देने में। मैं सिर्फ अपनी आप बीती को सामने रख के एक एग्जाम्पल के तौर पे जी सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। आप पूछ रही हैं तो मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। सबसे पहली बात तो अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए। आप जैसे वो एक शिफ्ट कर देते हैं अपनी थिंकिंग में, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन थिंक सी थिंग्स विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। हैविंग सेड दैट, जब आप छोटे होते हो, देर आर पीपल अराउंड यू हु नीड टू बी they are responsible for your well-being, and if they are not, then unfortunately आपको देखना पड़ेगा आपके आसपास के किस पर आप भरोसा कर सकते हो। You can get help from them, you can get help from institutions, या जैसे मैंने कहा ना, it's a very loaded question कि मैं एक लाइन में क्या कहूँ। मैं यही कहूँगा कि love yourself a little more, respect yourself a little more, make you are not actually responsible for anything wrong that happens to you. How you react to it, you could be responsible to it.
बट नथिंग परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ यार, नथिंग गुड नॉ बैड. तो मेक द बेस्ट ऑफ एनी सिचुएशन. बहुत सारे चेंजेस, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, समझदारी आई है. आई एम इन अ रिलेशनशिप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, इंडिपेंडेंट माइंडेड एंड अ स्लाइटली अग्रेसिव बट वेरी लविंग ह्यूमन बीइंग. मैं हमेशा यही मानता हूँ कि हमें दूसरों में वो खामियां दिखती हैं जिसकी, जिसका हमें शक है कि वो हम में है, इसीलिए हम वो गलती देख सकते हैं. तो ये चीज़ें मुझे बिग बॉस के घर में ही और बाहर भी बहुत कुछ सिखाई हैं. सबसे बड़ा यही मैंने सीखा है कि प्यार एक्सेप्टेंस होता है और आपको अगले पर्सन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, वो जैसे भी हों. अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते और आप ये समझते हैं कि नहीं, इस वक्त तो मैं उन्हें प्यार करूंगा और आगे चल के मैं उन्हें चेंज करूंगा ताकि वो मुझे वैसे प्यार करे जैसे मैं चाहता हूं, वैसे नहीं होता. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इफ यू एक्सेप्ट देम द वे दे आर. वो भी ब्लॉसम होते हैं और एंड दे बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. बहुत कुछ है, काश मैं आपको सब कुछ बता सकता. इस वक्त मैं एक बहुत खूबसूरत फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ. वो ख़त्म हो जाएगी जून फर्स्ट वीक में. उसके बाद एक प्रोजेक्ट है जो मैं आउट ऑफ इंडिया शूट करूँगा. उसके बाद सिटी ऑफ ड्रीम सीज़न 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह. अरे यार मैं बोलते जा रहा हूँ सिटी ऑफ ड्रीम सीज़न 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड. टीवी ने मुझे बनाया है, फिल्म्स ने मुझे बहुत ही पॉपुलैरिटी दी है, लेकिन इस वक्त मैं फोकस कर रहा हूँ वेब शोज़ पर. अलग अलग किस्म के किरदार कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. और एज एन आर्टिस्ट आपको उससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है. तो OTT स्पेस पर ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना काम कर सकूँ करूँ, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका भी मिल रहा है. बहुत सारे रोल्स हैं अभी, तो आई हैव इवन स्टार्टेड स्क्रैचिंग द सर्फेस. मैं एक किस्म के ही कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ, बहुत सारे रोल्स प्ले करना बाकी है. एंड यू विल सी वेरी सून. आईड लाइक टू प्ले अ डाउट नॉट ईवल कैरेक्टर, एन ईवल कैरेक्टर हु इज ईवल फॉर नो रीजन जस्ट बिकॉज ही इज ईवल. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ मी. Zoom was one of the first interviews I ever gave. I think they came to my house in 2003. मेरे घर पे एक सिर्फ मैट्रेस थी, एक ग्लास का शेल्फ था जिस पर थोड़े बुक्स थे, और एक टीवी था. तो इट्स बीन अ लॉन्ग एसोसिएशन. यू हैव सीन मी, यू गाइस Zoom के ऑडियंस, यू हैव सीन मी ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ब्रेक कम्प्लीटली एंड देन reformat myself and grow again. So thank you very much for being a part of my journey. Trust me, it's just begun.